बीएसपी चीफ मायावती ने बीते दिनों संकेत दे दिया था कि वो कांग्रेस से अलग हो रही हैं। मायावती ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, पेट्रोल डीजल की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि केंद्र सरकार यूपीए सरकार के पदचिन्हों पर चल रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक जानकारों ने समझ लिया था कि मायावती कांग्रेस से दूरियां बना रही हैं। मायावती ने बुधवार को कहा कि बीएसपी राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव अकेले लड़ेगी, इन चुनाव में बीएसपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस घमंडी हो गई है और उसे गलत फहमी है कि वह बीजेपी को अकेली हरा देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग कांग्रेस को उसकी गलती और भ्रष्टाचार के लिए नहीं भूले हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इरादे गठबंधन को लेकर ठीक हैं, जबकि कुछ कांग्रेस नेता इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा दिग्विजय सिंह जो बीजेपी के एजेंट हैं। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।